हेलो फ्रेंडा, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है नीरा। नीरा स्वीट रेसिपी किचन में आप लोगों का दिल से स्वागत है। चलो थोड़ी सी मस्ती हो गई आप लोगों से, चलो शुरू करते हैं एक प्यारी सी नई सी रेसिपी, मज़ेदार सी। एक लेंगे पतीला या फिर फ्राई दान, इसमें एक कप पानी ऐड किया है। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, हीट हो गया है। इसी में ऐड करेंगे अपनी प्यारी सी मैगी। मेरे दो पैकेट थे मैगी के छोटे वाले, इसी में ऐड कर देंगे। अब अच्छे से इसे गर्म होने देंगे, पकने देंगे। एक स्पून लेंगे, उससे अच्छे से चलाएंगे, मैगी को अच्छे से बॉयल करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे वरना ये गल जाएगी। ये बॉयल हो गई, देखिए अच्छे से। अब इसी में ऐड करेंगे मैगी मसाला। आप लोग और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं पसंद उसे स्किप कर दीजिएगा। एक स्पून की मदद से अच्छे से चलाएंगे चम्मच से, बढ़िया। ये देखिए मेरी मैगी बॉयल हो गई है। अब इसे बढ़िया इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा साल्ट यानी नमक, टेस्ट के अनुसार, स्वाद अनुसार। अब मैगी को अच्छे से रख फिर बाउल में। अब एक लेंगे, दो रोटी लेंगे, फिर एक लेंगे रोटी। अब इसमें प्यार से लगाएंगे प्यारी सी, क्या है आप लोग बताइए फ्रेंड्स, मेयोनीज है ना। मेयोनीज तो सभी को पसंद होती है, चटनी के साथ मेयोनीज हो फिर क्या कहना, टेस्ट है दुगना, जैसे सोने पे सुहागा। बढ़िया अच्छे से फैलाएंगे मेयोनीज को, कम ज़्यादा आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं। मेरा तो काम है आसान से आसान रेसिपी देना फ्रेंड्स। बढ़िया इस पे ऐड करेंगे प्यारी सी अपनी वही बॉयल की हुई मस्त मैगी, ऐसे स्पून की मदद से, कम ज़्यादा अपने तरीके से आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग, ये मैगी है। अब इसी पे ऐड करेंगे, आप लोग इस पे टोमेटो केचप या फिर कोई और हरी चटनी ऐड कर सकते हैं। मैं तो सिंपल बनाऊंगी, बढ़िया ऐसे ही सिंपल का आज ज़रूर मज़ा लूंगी। कैसी लगती है रोटी से रोल बनाए, कैसा लगता है, मैं तो ज़रूर देखूंगी आज, चेक करूंगी। मेरी भाई बहुत तेज़ी से भूख लगी है, मुझे तो रहा नहीं जाता। मैंने सोचा यार क्या बनाऊँ, मेरे घर पर दो रोटी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा यही रोल बना लेती हूँ, स्प्रिंग रोल या आप लोग कह सकते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को अच्छे से हीट हो जाने देंगे। इसी में ऐड करेंगे सरसों का तेल शुद्ध बढ़िया। इसी में ऐड करेंगे वही प्यारे से स्प्रिंग रोल या फिर मैगी रोल। अब इसे स्पून की मदद से प्रेस करेंगे जिससे अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसे थोड़ा टाइम दीजिए आप लोग पकाने में, बढ़िया अच्छे से पक जाए। वैसे तो ये सारी चीज़ पकी पकाई है, मैगी भी बॉयल है और रोटी भी पकी हुई है, ऐसा नहीं है कि कच्ची रोटी है। जैसे आटा लगा के आप लोग बनाते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम भी पकेगी तब भी चलेगा, फटाफट का नाश्ता है ना, मस्त। एक नाइफ लेंगे, कटिंग करेंगे। आप लोग अपनी फैमिली में अगर 6 लोग हैं तो भी एक एक पीस खा सकते हैं, बढ़िया अच्छे से ऐसे, बढ़िया आप लोगों का पेट भी भरेगा और मन भी खुश हो जाएगा। बच्चे तो इसके फैन हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे, आपसे रोज रोज मांगेंगे। और आप लोग टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आइए आप लोग इंजॉय कीजिए, आप लोगों का ये मैगी रोल कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत टेस्टी है, यम्मी।